नमस्कार। प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वंदना। मेरे साथ स्टूडियो में है साइकेट्रिस्ट जसपाल कौर जी। जसपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल जब एक लड़की टीन एज में आती है तो ऐसे में उस बच्चे को समझ नहीं होती है, ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, टीन एज एक ऐसा मतलब कि फेज़ है लाइफ का जिसमें हर इंसान गुजरा है, पर नो डाउट माँ बाप के लिए अपने पेरेंट्स को उस टाइम पे गाइड करना बहुत ही एक नाजुक कह सकते हैं कि एक फेज़ रहता है समझने का, जिसके दौरान कि एक लड़की की तरफ से तो ये चीज़ें, एक लड़की लें या लड़का लें, बच्चे की तरफ से ये फेज़ तो एक न्यू है ही है कि उसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या चीज़ जो है उसके साथ सही हो रही है और क्या गलत हो रही है। पर माँ बाप जो हैं वो इस चीज़ में सबसे पहले आते हैं बच्चे को समझाने के लिए, उनको आगे आना चाहिए। बच्चा अगर टीन एज जो है, हम जो मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप अगर लें टीन एज का, तो हम उसे 11 से जो है 17 ईयर्स में जो है एक पर्टिकुलर जो स्कूल का जो एक टाइम पीरियड रहता है, जब बच्चा प्राइमरी स्कूल से निकल के मिडिल विंग से सीनियर विंग तक रहता है, उसे टीन एज एक एडोलेसेंट एज में हम कैटेगरी में जो है लेते हैं। पर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की काउंसलिंग जो है वो जब बच्चा कदम रख चुका है 10 से 11 साल की उम्र में आ चुका है, लड़की है या लड़का है, मैं दोनों के लिए ही जो एम्फेसाइज दे रही हूँ कि लड़का और लड़की दोनों के लिए 10 से 11 साल की जब उम्र शुरू होती है, फिज़िकल चेंजेस आने शुरुआत हो चुकी है, उसी वक्त से बच्चे के साथ माँ बाप को ही खुल के बात करना शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चा आता है स्कूल के अंदर, तो क्या स्कूल के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे को ये रेगुलर जानकारी दी जाए? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि स्कूल में पीरियड ज़रूर होना चाहिए। नो डाउट कि आजकल स्कूल में जो है काउंसलिंग सेशन कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें ये जानकारी ज़रूर दी जाती है, पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे दिया जाए, नो डाउट अगर रेगुलर बेसिस पे बच्चों को ये जानकारी मिले तो वो इन टच रहेंगे। जो बिहेवियर इश्यूज रहते हैं एडोलेसेंस एज में बच्चों के एंटर करने के बाद, वो ज़रूर कम हो जाएंगे अगर स्कूल इसमें इनिशिएटिव लेता है कि रेगुलर क्लासरूम में जो पीरियड दूसरे सब्जेक्ट के लिए तवज्जो दी जाती है, अगर इस सब्जेक्ट को भी उसी रूप से लिया जाए, सो बिहेवियर चेंजेस जो हो रहे हैं वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स में नहीं कन्वर्ट होंगे। जब एक लड़की टीन एज में आती है तो उसके अंदर फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो उनसे खुल करके बात करें या ना करें? पेरेंट्स को तो देखिए एक खुला माहौल बच्चे को देना ही चाहिए, करें या ना करें का सवाल नहीं रहता है यहाँ पे, यहाँ पे ही रहता है कि बच्चे को आपने खुलापन देना ही है, ताकि चाहे वो लड़का है या लड़की है, यहाँ पे पेरेंट्स को सिर्फ इतना देखना है कि जो खुला माहौल दिया जा रहा है वो बच्चा कितना खुल के उनसे बात कर पा रहा है। अगर बच्चा हेजिटेट फील करता है, कुछ जगह पे मैंने देखा है पॉजिटिव पेरेंटिंग जब सेशन लिए जाते हैं तो कई बच्चे जो हैं सिर्फ माँ के साथ ही खुल के बात करते हैं, स्पेशली लड़कियों को, अगर लड़कियों का केस देखें तो अगर उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हुआ है या और कोई फिजिकल चेंजेस आए हैं तो वो माँ के साथ खुल के बात करना ज़्यादा पसंद करती हैं, पिता के साथ नहीं। या लड़कों में भी ऐसा देखा जाए तो लड़कों का अगर कोई ऐसा नाइटफॉल जैसे बच्चों का होता है तो वो चीज़ें, ये चीज़ें शेयर करना वो अपने पिता के साथ पसंद करते हैं कि माँ के साथ नहीं, तो ये चीज़ें भी बॉन्डिंग जो डिवेलप की गई है एक समाज की तरफ से है, यहाँ पे भी जो है पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चा खुल के, या वो माँ हो या बाप हो, दोनों की जो जगह है वो एक ही होनी चाहिए, दोनों के साथ वो खुल के बात कर सके, पर खुल के बात करने का माहौल जो है वो माँ बाप की तरफ से बच्चे को मिलना चाहिए। जब टीन एज में कोई लड़की आती है तो उसका झुकाव जो होता है वो अपोजिट सेक्स की तरफ भी हो जाता है, तो कैसे पता करेंगे माँ बाप की उनकी बेटी का झुकाव किसी अपोजिट सेक्स की तरफ हो गया है? एडोलेसेंस एज में जब बच्चा आता है तो ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो रहता है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ें, हर चीज़ उनके लिए नई रहती हैं। अट्रैक्शन जो है ऑपोजिट सेक्स की तरफ होना एक बिल्कुल एक ह्यूमन टेंडेंसी आप ले सकते हैं, उस वक्त बच्चे की क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ को जानने की। स्कूल की तरफ से इनिशिएटिव ज़रूर लिया जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ चल रहा है क्लासेस में, जो एडोलेसेंट एज है बच्चे की 11-12 साल की जो लड़कियाँ हैं उनको एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि गाइडेंस प्रॉपर मिल सके, किस लेवल की गाइडेंस देनी चाहिए वो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, उसी लेवल की ही हम जानकारी दे सकते हैं।
पर पेरेंट्स की तरफ से इनिशिएटिव ये रहना चाहिए कि जो जानकारी बच्चे को स्कूल की तरफ से मिली है और पेरेंट्स की तरफ से जो दी जा रही है, दोनों ही सेम पेज पे होनी चाहिए। टीचर और पेरेंट्स की गाइडेंस जो है वो एक दूसरे में बॉन्डिंग ज़रूर रहनी चाहिए। टीचर जो है पेरेंट्स के साथ इन ग्रुप होकर बात कर सकते हैं कि बच्चे की तरफ से झुकाव शुरू हुआ है, किस लेवल पे शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों में या लड़कियों में देखा जाता है कि कोएड एजुकेशन सिस्टम में जो है वो झुकाव जैसे पैदा हो चुका है, या क्लासरूम में ही क्लासमेट्स हैं, कुछ पीयर प्रेशर की वजह से होता है। तो ये सारे सिनेरियो डिपेंड करते हैं कि बच्चा किस माहौल में है, पहले उस माहौल को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, वो टीचर की तरफ से भी देखा जाना चाहिए और पेरेंट्स की तरफ से भी। जब एक लड़की का झुकाव अपोजिट सेक्स की तरफ हो जाता है तो उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या टीचर्स को क्या करना चाहिए? नो डाउट, बच्चा अगर इंटरेस्ट डेवलप कर चुका है ऑपोजिट सेक्स की तरफ, तो रिस्ट्रिक्शंस का लेवल नहीं शुरू होना चाहिए। जो मेरी तरफ से गाइडेंस है एज अ साइकेट्रिक, मैं पेरेंट्स को गाइड करना चाहूँगी, जो नॉर्मली की जो पेरेंट्स की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है कि बच्चे को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है या बाहर नहीं निकलना है, टीवी नहीं देखना है, या हर मोमेंट पे क्वेश्चनिंग की जाती है, थ्रेटन किया जाता है बच्चे को, जो बच्चे का लेवल है उसको समझने की बजाय सिर्फ उसको हर जगह पे ना जो बोला जाता है लड़की को भी और लड़के को भी, वो उस टाइम बच्चे की समझ इतनी नहीं होती है कि वो हर गलत या सही की पहचान कर सके। पर पेरेंट्स भी जो है गलत और सही को समझाने का अगर तरीका थोड़ा सा बदल के बच्चे के लेवल पे लेंगे तो नो डाउट बच्चा जल्दी समझ पाएगा। पर वो समझ क्रिएट करने का जो माहौल है, अगर वो चाहें तो इसमें वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स की हेल्प भी ले सकते हैं अगर वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स की जो बॉन्डिंग है अगर उसको आप ठीक से डेवलप नहीं कर पाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस किस लेवल की होनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस अगर दी गई हैं तो बच्चा वो फॉलो कर पाए, और रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने के बीच में जो गैप है उसको कैसे दूर करना है, इन चीज़ों के लिए वो साइकेट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। पर साइकेट्रिक की हेल्प लेने के मैं साइकेट्रिक मतलब एज अ काउंसलर भी मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स के भी पॉजिटिव पेरेंटिंग सेशन होने चाहिए इसमें और बच्चों के भी होने चाहिए, ताकि दोनों में गैप नहीं आना चाहिए, दोनों सेम पेज पे रहकर ही प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकाल सकें। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी बेटी के फिजिकल रिलेशन बन चुके हैं तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? फिजिकल रिलेशन बन चुके हैं, पहले तो देखिए कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे की स्कूल में अगर बच्चा ऐसा कदम उठा चुका है तो नो डाउट जो दूसरे बच्चे जिस बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट हुई है वो कहाँ का है, कि घर के माहौल में ही है या घर के आसपास के वहाँ पे ऐसा एक्सपोजर मिला है उस बच्चे को, या स्कूल में ऐसा एक्सपोजर मिल रहा है। तो पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बच्चा जो है जो लड़की है या लड़का है उस टाइम पे वो दोनों अंडर डिप्रेशन जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के लिए माहौल जो है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है इस टाइम पे, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है फिजिकल एक इंटरेस्ट डेवलप होना बच्चे का इमीडिएट इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, लड़की की तरफ से भी लड़के की तरफ से भी। ये फेजेस हैं लाइफ के जो एडोलसेंट एज में रहते हैं, बच्चा धीरे धीरे अट्रैक्शन लेवल जो है डेवलप कर पाता है, किसी लेवल पे जो अर्ज है बच्चे के, जो एक्सपोजर उसको मिलता है, जो अनकंट्रोलेबल नहीं रहता है, वो क्यों नहीं रह पाता, क्योंकि उस टाइम पे उसको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग और प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। आधी अधूरी जो पीयर प्रेशर के साथ अपने दोस्तों के साथ जो जानकारी मिलती है उसको प्रूफ करने के लिए, उसको और जानने के लिए जो एक्सपोजर मिल पाता है बच्चे को, जो माहौल मिलता है या फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं लड़की की तरफ से भी, और क्योंकि दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है, ना ही लड़की की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना ही लड़के की ज़्यादा, इनमें दोनों की तरफ से इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत बेहतर रहती है, क्योंकि दोनों ही जो है इस चीज़ में बराबरी से भागीदार हैं। पर दोनों का जो सिस्टम है, दोनों एडोलसेंट एज में है, दोनों ही नहीं ये पहचान सकते कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जो फेज़ है वो सिर्फ एंजॉयमेंट का फेज़ रहता है, सिर्फ जानकारी को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी लेवल पे जानने का रहता है। यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से और काउंसलर का जो रोल है वो ज़्यादा रहता है कि दोनों को किस तरीके से हम समझाएं कि क्या लिमिटेशंस रहनी चाहिए उस वक्त, या उनके प्रायोरिटी क्या है, पहले उन्हें क्या अचीव करना चाहिए, ये चीज़ें कब आनी चाहिए लाइफ में और आनी भी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है, ये सारे लेवल जो हैं पेरेंट्स को पहले समझाने चाहिए मतलब काउंसलर की तरफ से, और पेरेंट्स जो हैं इनिशिएटिव लेके बच्चों को समझा सकते हैं। जब एक लड़की डिप्रेशन में आ जाती है तब उसे क्या करना चाहिए?
डिप्रेशन का जो फेज़ है डिपेंड करता है कि बच्चे का क्रिएट किस लेवल पे हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने फिज़िकल रिलेशन एक लड़की बना चुकी है या लड़का उससे बैकआउट कर चुका है, तो वो लड़की घर पे शेयर नहीं कर रही है ये चीज़ें। और पेरेंट्स जो हैं, या उन्होंने इतना रिस्ट्रिक्शंस लेवल बढ़ा दिया है कि घर लड़की की शादी की बात कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स का मैंने ऐसे देखा है कि समाज के प्रेशर होने की वजह से 16 या 17 साल की लड़की है तो अगर उसके फिजिकल रिलेशन हो चुके हैं, एक समाज में कि हमारी इज्जत है या उस पर ये जो समाज है वो गलत नज़रिए से देखेगा, तो वो लड़की की शादी की तरफ जो है बढ़ जाते हैं। पर ये डिसीज़न जो है बच्चे की लाइफ ठीक करने की बजाय आप उसको डिप्रेशन लेवल में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। पहले बच्चे का इलाज होना ज़रूरी है कि डिप्रेशन वो क्यों है, किस लेवल पे वो डिप्रेशन के अंदर है, पहले वो जानना ज़रूरी है। इसके लिए उन्हें साइकेट्रिक की, काउंसलर की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, ना कि समाज के सिर्फ नज़रियों को लेके कि वो नेगेटिव सोचेंगे, वो पूरी लाइफ जो है बच्चे की आगे ख़राब कर दें। समाज का इसमें कितना बड़ा रोल है? समाज का मैं रोल इसमें पूरी तरह से लेती हूँ और मैं भी एक समाज का ही पार्ट हूँ, हम सब समाज के पार्ट हैं। पर उस वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज जो है इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रोल प्ले कर रहा है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पा रहा है। पर नेगेटिव में आप ये लेंगे कि समाज का जो सोसाइटी की तरफ से जो है को एजुकेशन सिस्टम है, या लड़का या लड़की की जो फ्रेंडशिप है, या दो लोगों का जो नज़रिया है देखने का, वो अगर नेगेटिव दिया जाएगा तो वो सोच जो है हम अपने बच्चों में हम खुद ही डाल रहे हैं। अगर उन्हें खुलापन, ओपन स्पेस दी जाए जहाँ उनकी शेयरिंग जो है वो थॉट शेयरिंग की होनी चाहिए, किस हद तक शेयरिंग होनी चाहिए, अगर उनको प्रॉपर जानकारी दी जाए, तो कोई भी बच्चा जो है ऐसा कदम नहीं उठाता। पर अगर समाज की तरफ से ही जो है जानकारी आधी अधूरी रहती है, स्टेटस सिंबल तक ही सीमित रहेगी, तो नो डाउट बच्चों को भी जानकारी आके आधी अधूरी ही मिलेगी और वो क्यूरियोसिटी लेवल उनका जो आज है वो कल भी रहेगा। समाज में कई बार ये कहा जाता है कि इस लड़की ने गलत काम इसलिए किया क्योंकि ये को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ती थी, तो इसके लिए क्या को एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है? मैं इस बिल्कुल ही असहमत हूँ इस चीज़ से। को एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है। को एजुकेशन सिस्टम बल्कि एक खुलेपन के लिए, बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों बराबर लेवल पे कम्पीट करते हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे लड़का और लड़की को दोनों को सेम लेवल प्रोवाइड किया गया है, जहाँ वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे कम्पीट कर सकते हैं, जहाँ दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर समाज की तरफ से जो एक सिस्टम, एक थॉट प्रोसेस जो क्रिएट किया गया, वो बदलने की ज़रूरत है। को एजुकेशन सिस्टम किसी भी लेवल पे जिम्मेवार नहीं है इस चीज़ के लिए। पर नो डाउट कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस है वो पेरेंट्स का, वो जो समाज की तरफ से जो क्रिएट किया है, अगर वो हम चेंज कर लें, एक पर्सन अगर चेंज करना शुरू करेगा तो समाज ऑब्वियस है हमसे ही है, हम ही समाज को बनाने वाले हैं। थॉट प्रोसेस अगर एक पर्सन चेंज करेगा तो चेंज जो है वो हमसे ही बनेगी, तो थॉट प्रोसेस चेंज करने से नो डाउट मेंटालिटी ज़रूर चेंज कर पाएंगे। जब एक लड़की के फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं और सपोज करो कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए? इस वक्त मैं माँ बाप को यही गाइड करूँ, एक तो ये बिल्कुल ही सेंसिटिव इशू रहता है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के लिए इसलिए सेंसिटिव है, प्रेग्नेंट है और लड़की की एज जो है ये 15 या 16 साल की है और शादी की एज नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस पर्सन के साथ रिलेशन बने हैं वो लड़का भी बैक स्टेप ले चुका होता है कि वो भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और अगर जिम्मेवारी लेगा भी तो 15 16 साल का लड़का, वो भी सेम एज पे, एडोलसेंट एज में। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो देखना चाहिए कि बच्चा जो है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ है, एक तो इसको डील बहुत ही प्यार से करना चाहिए, बच्चे को उस टाइम प्यार की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर प्रेग्नेंट हो चुकी है लड़की तो अबॉर्शन के चांसेस कितने रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जो है कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया जाए, क्योंकि जो लड़की प्रेग्नेंट हुई है उसके खुद के ही फिजिकली जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस वजह से जो है डॉक्टर्स भी जो है अबॉर्शन के लिए गाइड करते हैं उस टाइम पे। पर अगर अबॉर्शन के चांसेस जो है कम रहते हैं, कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अबॉर्शन नहीं हो पाता है तो प्रेगनेंसी को डिलीवरी तक लेके जाना पड़ता है, तो उसमें भी जो है पेरेंट्स ही गाइडेंस की तरह ही एक काउंसलर की तरह गाइड कर सकते हैं। ऑब्वियस है जिम्मेदारी जो है वो लड़के की तरफ से भी रहती है, शादी का डिसीज़न नहीं ले सकते हैं उस टाइम पे, पर
पर समाज में जो है, जो बच्चा उस टाइम पे आएगा तो वो जो नाजायज का जो एक टैग लिमिट जो टैग दिया जाता है उस बच्चे को, एक बच्चा जो ऑलरेडी एक बच्ची है उसके साथ एक बच्चा और जुड़ गया है, तो दोनों जो है मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। पेरेंट्स के लिए ये गाइडेंस मैं ये बताना चाहूँगी कि उस टाइम पे डिसीजन जो है वो सिर्फ उस लड़की को मद्देनज़र रखते हुए देखें, ना कि आने वाला जो बच्चा है उसको नज़र में रखते, क्योंकि ज़रूरत उस बच्चे की ही है। अगर वो लड़की अपने आप को नहीं संभाल सकती तो आने वाले बच्चे को भी नहीं संभाल पाएगी। तो पहले ज़िंदगी जो बच्चे बच्ची की है, जो जो कि प्रेग्नेंट हुई है लड़की, उसके बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। उसका फ्यूचर क्या है, वो क्या चाहती है, उसके लिए जो है सारी गाइडेंस काउंसलिंग जो है उसके लेवल पे होनी चाहिए। और जो बच्चा है, जो मैंने कहा कि प्रेगनेंसी जो है सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ से भी अबॉर्ट के ही चांसेस जो है किए जो सजेशंस है दिए जाते हैं, अगर रहते हैं तो नो डाउट उसकी तरफ भी सोचना चाहिए, पर अगर नहीं रहते हैं तो वो बच्चे की भी जिम्मेदारी जो है ऑब्वियस है वो पेरेंट्स पर ही आ जाती है। पर उसके बाद जो है फ्यूचर के लिए जो है बच्चे को ज़रूर गाइड करना चाहिए कि ताकि इन फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना हो पाए। बच्चे के फ्यूचर बनाने के बारे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जब अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और उसका सॉल्यूशन उसको उनको मिल गया है, उसके बाद उसका फ्यूचर बनाने के लिए पेरेंट्स को क्या आगे आना चाहिए? बिल्कुल, फ्यूचर के लिए तो देखिए बच्चा आज भी जो है अपने पेरेंट्स की तरफ ही देखता है, वो डिपेंडेंट रहता है, पर फ्यूचर के लिए भी जो लाइंस क्या चूज़ करनी चाहिए, उस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बच्चा जो है इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुका है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या लेवल रहा है उस बच्चे का, स्टडी लेवल क्या है, आगे के वोकेशनल कोर्सेज में क्या लेवल रहता है, तो नो डाउट फ्यूचर का ज़रूर सोचना चाहिए, सो दैट कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके और इस चीज़ से बाहर निकल सके। तो पेरेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हैं इसके लिए, बच्चे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो एकेडमिक स्किल्स रहते हैं, और अगर पर्सनली चाहे तो बच्चा उस टाइम पे खुद भी जो है, कुछ बच्चे डिसाइड कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं डिसाइड कर पाते कि किस लाइन में जाना है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो बच्चे के लिए डिसीजन ले सकते हैं। एज अ साइकेट्रिस्ट आप बच्चों को क्या सलाह देंगी, टीन एज के बच्चों को स्पेशली? एज अ साइकेट्रिस्ट मैं टीनेज के बच्चों के लिए यही सलाह दूंगी कि पेरेंट्स जो हैं एक ऐसे वेलविशर हैं जो हर वक्त उनके साथ रहने वाले हैं, तो उस एज पे पेरेंट्स की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ रहें और उनकी जो बातें हैं वो ध्यान से सुने। सारी बातें सुनने के बाद शेयरिंग लेवल जो है वो पेरेंट्स की तरफ से भी मैं चाहूँगी कि खुलापन ज़रूर दें अपने बच्चों को, ताकि वो सारी बातें शेयर कर सकें, और बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जाता है वो रिस्ट्रिक्शंस लेवल पे ना रहे। जो एडोलसेंट एज है उसमें पेरेंट्स की तरफ से एक फ्रेंडशिप का लेवल रहना चाहिए, ताकि बच्चा खुल के उनके सामने अपनी बात कह सके, और जो डेवलपमेंट एरिया रहते हैं उनको सेंसिटिव तरीके से जो है पेरेंट्स की तरफ से लिया जाना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए, ये जसपाल जी ने हमें बताया। जसपाल जी आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को जो आपने सलाह दी, बच्चे सलाह ज़रूर माने और पेरेंट्स भी सलाह माने, अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें जिसमें कि वो खुल के आपसे बात कर सकें, ताकि वो किसी भी परेशानी में ना पड़ें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।